थोड़ा सा प्ले कर लो, काफी देर से नहीं आप तो मुझे नजर आ रहे हो। आपने मुझे टीच किया कि कैसे नहीं नहीं करो प्ले, कोई बात नहीं। बस मैं आ रहा हूं। मेरे हाउ वाज योर डे? गुड जी। मैंने टीचर ने आपके सामने ये क्या था? जी टीचर ने कहा कि आज उज़ैफा ने बहुत नाइस वर्क किया है। देखो कैसा है ये कीड़ा, है ये इंसेक्ट है, कलरफुल इंसेक्ट। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक ठाक हैं और फर्स्ट क्लास है, फिट फॉट है। सो गाइस रात को आते आते हमें बहुत ज़्यादा देर हो गई थी, ऑलमोस्ट मिडनाइट हो गई थी, क्योंकि वहाँ से हमने देर से हम निकले वहाँ से, फिर बच्चों को भूख लगी, वहाँ पर डिनर किया और आजकल रोड वर्क चल रहे हैं तो हर जो ट्रांसपोर्ट है वो डाइवर्ट हुई हुई है, तो आते आते वैसे ही लेट हो गए। फिर हम सब लोग रात को लेट नाइट सोए और सुबह उठते उठते तकरीबन आधा दिन हमारा सोते सोते गुजर गया। सो जल्दी से उठ के फिर हमने लंच एंड ब्रेकफास्ट टुगेदर किया। सो गाइस इसी तरह हमारा हाफ डे गुजर गया। सो बाकी की रूटीन आपसे लेटर ऑन शेयर करते हैं, उसके साथ व्लॉग शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आनिया ये आपके फ्रेंच टोस्ट, ओके? और चाहिए हो तो मुझे बताना। मैं देख रही हूँ कि आप दोनों क्या कहाँ पे चले गए हो? मैं उज़ैफा कह रहा हूँ थोड़ा सा प्ले कर लो। काफी देर से नहीं आप तो मुझे नजर आ रहे हो। आपने मुझे टीच किया कि कैसे? नहीं नहीं करो प्ले, कोई बात नहीं। बस मैं आ रहा हूँ। मेरे कल हुज़ैफ़ा ने पार्क में देखा ना, बच्चे क्रिकेट प्ले कर रहे थे। अब इंटरेस्ट आ गया उसमें? नहीं, इसको उस वक्त से इंटरेस्ट है जब पाकिस्तान ने मैच जो है वो लूज किया था। लूज किया था। आई विश कि विन करता। हाँ। ज़ैफ़ा आपकी बॉल तो खराब हो गई बेटा। इसके पास है। अच्छा। वो पापा ये थोड़े से स्पेस है तो उसमें बहुत ज्यादा। हाँ नहीं, और पता क्या, इधर शीशे वगैरह पे ग्लास पे लग सकती है वो। मैंने इसको कहा कि बाहर जाओगे ना। हाँ, फिर एक्चुअल वाली तो ये इसलिए बाउंसी नहीं है। गाइस आज हम व्लॉग नहीं बना सके, आज हमने वो छुट्टी मनाई है जिसे एक्चुअल में छुट्टी मनाना कहते हैं, क्योंकि हमारे कोई एक्टिविटीज नहीं थी, इसी वजह से हम कोई अपनी रूटीन आपके साथ शेयर नहीं कर सके और कल की बहुत ज्यादा थकावट थी तो इसलिए हमने आज खूब रेस्ट किया। सो बच्चे सो गए हैं और मैं भी अब सोने जा रहा हूँ, क्योंकि कल से बैक टू नॉर्मल वही रूटीन है। सो गाइस आपसे कल मुलाकात होगी। सी यू टुमारो ऑन द सेम व्लॉग। गुड नाइट। नेक्स्ट मॉर्निंग। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। कल का और आज का व्लॉग अभी तक कंटिन्यू है, हमने कल की रूटीन आपसे ज़्यादा शेयर नहीं की थी, जैसा कि आपको साकिब ने बताया कि हम यस्टरडे रेस्ट करते रहे हैं। सो एनीवेज गाइस, अब आपको मैं हमेशा इसी तरह घर में ही मिलूंगी और अभी मैं जाऊंगी बच्चों को स्कूल से पिक करूंगी और बच्चे एक्साइटेड हो जाएंगे मुझे देख के। सो लेट्स सी बच्चों का क्या रिएक्शन होता है। हम जल्दी से चलते हैं, बच्चों को स्कूल से पिक करते हैं और आपको ज्वाइन करते हैं। हाउ वाज योर डे? गुड जी। मैंने टीचर ने आपके सामने ये क्या था? जी टीचर ने कहा कि आज उज़ैफ़ा ने बहुत नाइस वर्क किया है। एंड हानिया यू क्या? अच्छा किया है। अच्छा रैपर फेंक दो, अब रैपर भी खाना आपने गंदी। गाइस अभी हानिया को मैंने स्कूल से पिक किया, इसके सारे बाल इसने अपने पर्पस दी जो है ना हेयर ओपन किए हुए थे और अभी मैंने इसके बाल थोड़े से बेटर किए तो अभी फाइनली गाइस हमारे फ्रंट गार्डन में भी फ्लावर्स आ ही गए हैं। कब से मैं वेट कर रही थी और वो भी फ्लावर्स कौन से हैं, उजड़े हुए मतलब कि ब्रोकन ब्रोकन। ये भी हानिया बनने वाला फ्लावर, ये देखो। और ये वाला देखा, मैं काफी टाइम से वेट कर रही थी ना कि हमारे फ्लावर्स कब लगेंगे, लग गए, क्योंकि हमारा प्लांट्स जो है ना ये सही नहीं है इस वजह से। हाँ तो इसके अंदर इंसेक्ट्स होते हैं ना। ये देखो कितना बिग है। ओह माय गॉड, क्या देखो कैसा है ये कीड़ा, है ये इंसेक्ट है, कलरफुल इंसेक्ट। चलो आज आज वेदर कितना नाइस है ना, कोल्ड तो फील नहीं किया आपको ब्रेक टाइम में? अच्छा था। चलो लेट्स गो, आराम से बेटा आराम से। पोज चेक कर ले, पोज तो नहीं आई हुई कोई। ये मेरा वे है चेक करने का, क्योंकि यहाँ तक मेरी हाइट नहीं है तो फिर नहीं है पोज। चलो जी लेट्स गो। सब
सबसे पहले बच्चों का फ्रूट निकालते हैं। चेरी मैंने निकाल ली है, स्ट्रॉबेरी मैंने निकाल ली है। गाइस अब मैं बना रही हूँ खाना और मैं आज बना रही हूँ व्हाइट चने। ये हानिया के फेवरेट चने हैं। हानिया ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मम्मा व्हाइट चने बनाए, तो मैंने कहा चने आज हानिया के लिए व्हाइट चने बना ही लेते हैं। थोड़ा सा भी आपसे वेट नहीं हो रहा कि आप अंदर बैठ के शूज पहन लो, बाहर जाके शूज पहन रही हूँ। अच्छा जैसे ही मैंने आपको आवाज़ देनी है आपने फ़ौरन आ जाना, ओके। आज वेदर बहुत नाइस है, आज सनी वेदर बिल्कुल भी नहीं है, ना ही गर्मी है, बहुत प्यारी हवा चल रही है। ओके आई लव यू टू, बाय बाय। जैसे ही मामा ने कहेंगे ऊपर आ जाओ तो आपने ऊपर आ जाना, ओके ओके टेक केयर, चोट ना लगे और मट के साथ बिल्कुल प्ले नहीं करना। ऑफिस से मैं आ गया हूँ और जैसे ही एंटर हुआ खाने की खुशबू इतनी ज़बरदस्त आ रही थी, शायद मुझे भूख लगी हुई है इस वजह से। सो किचन में जाके देखते हैं कि सोने ने आज बनाया क्या है। आज तो लगता है दो दो कुकिंग हुई हैं, ज़रा देखते हैं कि इसमें क्या है। ओ वाइट चने, वाह। और इसमें क्या है, आई थिंक सो राइस लग रहे हैं मुझे। ओ राइस, आज तो खाने का मज़ा आ जाएगा। वाइट चनों के साथ राइस का अपना मज़ा है। वैसे तो नॉर्मली हम रोटी खाते हैं लेकिन आज सोनिया ने वाइट राइस बनाए हैं। आज मज़े से डिनर करेंगे और देखते हैं कि सोनिया कर क्या रही है। रूम में मैं अभी तक गया नहीं। सोनिया तुम क्या लेके बैठी हुई हो कपड़े? क्या सोच रही हो? इसकी बातें सुन रही हूँ। क्या कह रही है? ठीक है, मैंने ये ड्रॉ किया, मैंने ये ड्रॉ किया, ये ड्रॉ किया। अच्छा होमवर्क कर रही है हनु? नहीं होमवर्क नहीं, मैं मेरा प्रैक्टिस कर रहा हूं। आर्ट क्या? आर्ट मैंने ये ड्रॉ किया। ये ड्रॉ किया फनी कैरेक्टर, ओके, जो मैंने गेम्स में देखा, और ये मैंने ये ड्रॉ किया मेरा जो गेम के कैरेक्टर है। ओके सो ये आप अपनी तरफ से कर रही हो जी क्या? होमवर्क है? मैं खुद कर रही हूँ। अच्छा खुद कर रही हूँ, मैं मोर करेगा क्योंकि मैं आर्ट का प्रैक्टिस कर रहा हूँ। चलो ठीक, अच्छा। कलर भी करो ना। जो कपड़े मैंने निकाले थे वो हम नहीं पहन के जाएंगे कल। क्यों? वो इस वजह से कि शब्बो जी का फोन आया था आज, तो वो मुझे कह रही थी कि तुम लोगों ने जो ईद पे कपड़े पहने थे वो मुझे बहुत अच्छे लगे थे, तो उन्होंने कहा कि वही वाले कपड़े पहन कर आओ, और वहाँ पे मोस्टली जो पीपल हैं वो ज़्यादातर शलवार कमीज पहन कर आ रहे हैं। सो गाइस मैं आपको बता भी दूँ कि कल हमने जाना है शब्बो जी के फादर की बर्थडे पर। वो माशाल्लाह माशाल्लाह 90 साल के हो जाएंगे, उनकी 90th बर्थडे है। सो वो खुद भी लाइक शलवार कमीज पहन रहे हैं, तो शब्बो जी मुझे कहती है कि साकिब के पास शेरवानी है। मैंने कहा शादी के बाद मैंने कभी लाइफ में शेरवानी नहीं पहनी है। शेरवानी मेरी पड़ी हुई है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में, और वो भी आपने कैसे पहनी थी ये मुझे पता है। अभी तो मुझे पूरी भी नहीं आएगी, अभी तो मैं जाऊंगा देखूंगा कि उसकी हालत क्या हो चुकी है। सो एनीवेज फिर मैंने ये कपड़े अभी निकाले हैं, और जो कपड़े मैंने आयरन कर दिए थे वो भी मेरा ड्रेस गाइस बहुत प्यारा था, लॉन्ग ड्रेस था वो, और नेट का था बहुत खूबसूरत, बट अनफॉर्चुनेटली वो मैं अब नहीं पहन रही हूँ, फिर कभी मौका मिलेगा तो मैं पहन लूँगी। सो अब मैं फिर ये वाला मैंने सोचा कि फिर ये पहन जाते हैं। और ये वाओ बच्चों के, हानु जी ये तो आपका ड्रेस लग रहा है। ये मेरा है, ऑब्वियसली ये मेरा लग रहा है, ये छोटा है। छोटा ठीक है, वो किसके है? वो मुझे लगता है मेरा है। ये आपका है, वो मेरा है, हुज़ैफ़ा का है, हानिया का है। हुज़ैफ़ा का कहाँ है? अब हुज़ैफ़ा कंफर्टेबल फील कर ले शलवार कमीज़। हुज़ैफ़ा कहाँ है? कहाँ है? हुज़ैफ़ा का ये रहा। हुज़ैफ़ा को मैंने बताया तो वो कहता है मैं कंफर्टेबल फील नहीं करूंगा तो मैंने नहीं पहनना। तो थोड़ी देर के लिए फॉर 2-3 आवर्स के लिए पहनना है। सो मेरे पास और मामा के पास है ये ड्रेस जी, लाइक ये वाला, और इसमें ये रखो नीचे क्या है, स्टोन्स है ना, बहुत अच्छे लगते क्योंकि इधर से पतला और इधर से थोड़ा सा मोटा है। ठीक है, चलो ठीक है। तो फिर हम कल फाइनली डिसाइड ये हो गए कि अब हम कल ये पहन के जाएंगे। एक और चीज, कैमरा मैंने पता नहीं कहाँ रखा, वो लेकर आओ जरा। तो ये कैमरा भी लेकर जाना है। कैमरा किस लिए? क्योंकि शब्बो जी की स्पेशल कॉल आई थी कि आपने सबकी वीडियो रिकॉर्ड करनी है, जो भी पापा के बर्थडे के लिए लोग मैसेज देंगे, जो गेस्ट आए हुए होंगे, और उनकी पिक्चर्स वगैरह लेनी है। तो मैंने कहा यहाँ से तो मेरा व्लॉग बन रहा होगा फोन से, ओके। तो मैं फिर मैंने कहा कैमरा लेकर जाती हूँ, और कैमरे से फिर मैं सबकी वीडियो भी रिकॉर्ड कर दूंगी और पिक्चर्स वगैरह भी ले लूंगी। लेकिन मेक श्योर करो कि इसके अंदर सेल है,
नहीं, सेल की जरूरत नहीं होती है इसके अंदर, चार्ज कर लिया, चार्जिंग पे मैंने लगाया हुआ है, वो देखो स्विच, क्योंकि काफी चार्ज हो रहा है, चार्ज क्योंकि काफी देर से हमने यूज नहीं किया इसको, नहीं किया। सो गाइस, एक टाइम था जब मुझे DSLR का बहुत क्रेज था कि लेना है, तो ले लिया, लेकिन यूज इतना ज्यादा नहीं हुआ, तो मैंने कहा चले मौका भी है तो इसको हम यूज करते हैं। जब हमने ये लिया था उस वक्त नया नया आया था और वो बहुत एक्सपेंसिव था, और इसने स्पेशली लिया था कि पाकिस्तान में इसके बाइक की शादी थी, तो उस पर इस पर फंक्शन है, आप इस पर मूवी भी बना सकते हो, पिक्चर्स भी खींच सकते हो, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। लेकिन उसके बाद फिर मैंने अपनी सिस्टर की शादी पर यूज़ किया, तो बस उसके बाद फिर ये साइड पर चला गया कोने में, और आज काफ़ी देर के बाद आज सोनिया ने निकाला इसको और चार्ज कर रही है, फाइनली अब इसकी सुनी गई है। वैसे तो ये इसलिए यूज नहीं होता है क्योंकि आजकल के फोन इतने अच्छे हैं, आईफोन आ गए हुए हैं, उनके रिजल्ट इतने अच्छे हैं, तो कैमरे वगैरह कितनी वैल्यू अब कम हो गई आईफोन के आगे। लेकिन मैंने कहा कि अब मैं अपने फोन से अगर व्लॉग शूट कर रही होंगी आप सबसे शेयर करने के लिए, सो मुझे फिर इस कैमरे की याद आई, मैंने कहा नहीं उससे व्लॉग बनेगा तो वीडियोस और पिक्चर्स मैं इससे ले लूंगी फिर। और वैसे भी जो मोबाइल है वो इजी टू कैरी है, इसके लिए स्पेशल बैग और हैंडबैग की तरह कैरी करना पड़ेगा। सो गाइस, मैं अब गिफ्ट पैक करूंगी और इस कार्ड में कुछ विशेस वगैरह लिखूंगी शब्बो जी के डैड के लिए। और मजे की बात ये कि वो शब्बो जी के डैड हैं लेकिन हम भी उनको पापा ही कहते हैं, और उनके लिए बहुत सारी दुआएं, आप भी कमेंट में उनके लिए बहुत सारी विशेस और दुआएं लिखें, और फिर मैं जब उनसे मिलूंगी नेक्स्ट टाइम तो मैं उनको बताऊंगी कि आपके लिए सबने बहुत अच्छी अच्छी विशेस की हैं। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबके पेरेंट्स को इतनी लंबी जिंदगी दे, आमीन। तो एनीवेज गाइस, अभी मैं जल्दी से गिफ्ट वगैरह पैक करती हूँ, इसके बाद मुझे सोना भी है, नींद बहुत आ रही है, और हम अपना आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।